कांदा आणि लसूण हे गरीब शेतकऱ्याचं खाद्य आहे. आजही शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये कांदा आणि लसूण खाऊन दिवस काढले जातात. परंतु लसूण या पिकाची चर्चा गेल्या आठवड्याभर आहे. कारण त्याचं असंच आहे की मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग यांचा एक व्हिडिओ समाज माध्यमावर व्हायरल झालाय. विजेंद्र भैया राम राम. क्या कौन सी फसल करते हो आप उद्यान की हॉर्टिकल्चर की? लहसुन. लहसुन की करते हैं. लहसुन जी. लहसुन. लहसुन में एक एकड़ में कितना खर्चा आता है? एक एकड़ में 10,000 रुपये. 10,000. और लगभग कितने का बिक जाता है जब फसल ठीक ठाक आ जाए तो? ठीक ठाक ये ये कम से कम 300 क्विंटल हो जाता है अपने को. अच्छा. 300 क्विंटल. तीन एकड़ में. और रेट पे रहता होगा कि कितना फायदा होगा या? हाँ रेट पे रहता है वो. आज कुछ चल रहा है तो सबसे मिल जाते हैं. तीन एक लाख रुपए अपने को मिल जाता है. यह वीडियो में दावा करण्यात आला है जो देवास कंपनीच्या प्रतिनिधीबरोबर चर्चा केली की लाखो रुपयाचं उत्पादन तुम्हाला लसूण उत्पादन घेऊन करून घेता येईल. मॅक्स महाराष्ट्रने या दाव्याची पडताळणी केली आणि जी चर्चा झाली होती व्हिडिओमध्ये ती अशी होती की मुख्यमंत्र्यांनी असा प्रश्न विचारला की तुम्ही कुठलं पीक घेता. तेव्हा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी असं सांगितलं की आम्ही लसूण पीक घेतो. तर साधारणतः लसूण लावायला खर्च किती येतो? तर कंपनीच्या प्रतिनिधींनी सांगितलं की 10,000 रुपये एकरी का हेक्टरी? तर सांगितलं की एकरी. मग तुम्हाला उत्पन्न किती मिळतं? तर त्यावर कंपनीचे प्रतिनिधी बोलले की आम्हाला 3 लाखापर्यंत उत्पन्न मिळतं. प्रत्यक्षात हा दावा खरा की खोटा याबद्दल अनेक चर्चा झाली आणि काही शेतकऱ्यांनी थेट कंपनीच्या प्रतिनिधीला फोन करून जाब विचारला. हॅलो. 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 भूपेंद्र बोल रहे थे इंदौर से. कौन बोल रहा? भूपेन इंदौर. आप कहाँ से बोल रहे भाई साहब? विजयन सिंह बोल रहा हूँ भैया. भूपेन भैया. कहाँ से? विजयन सिंह बोल रहा हूँ. मुंडा रहेंगे. अच्छा भाई साहब, लहसुन का बीज लग रहा था आपके पास जो है यार वो वाला जी. आपके पास जो बीज है वो बीज लग रहा था यार 10 क्विंटल. मेरे पास जो बीज था वो लग रहा आपको तो खरीद लो ना इंदौर से. वो इंदौर वाला इतना उत्पादन नहीं देता ना जो आपके पास है. वो अच्छा उत्पादन उसका. अच्छा 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 देता. मतलब बीघे की 40 कट्टी नहीं भर पाई जाओ? 40 कट्टी थोड़ी. एक एकड़ में 300 क्विंटल हो रही ना. हेक्टर वो हेक्टर देखो ना उसके बाद में ठीक से हेंट लगा के देखो. अब तुम आओ तीन हेक्टर बोला. हाँ तीन एकड़ में 300 क्विंटल बोल रहे हो आप तो वही वाला बीज तो मेरे को चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल जो आपने सुना बिल्कुल सही सुना. उसके बाद में मैंने क्या बोला? हेक्टर बोला. देखो आप उसको एकड़ का बोल रहे हो ना. आपका वीडियो आप बोला तो मैं आपको सेंड कर दूंगा. आपके पास ये बीज है कि नहीं है? मेरा बीज मेरे लिए है. 3 हेक्टर का बोला. अच्छा सुनो एक बार फिर सुनो. तीन हेक्टर का ही बोला आपने और 300 क्विंटल का बोला आपने. और एक एकड़ में 10,000 रुपये का खर्चा है. एक बीघा मैंने मेरा एक बीघे भाई साहब यार अगर कहीं बीघे का अगर उसमें जिक्र होता हो ना तो आप जो बोलोगे वो हम हार जाएंगे. वो उन्होंने बोला होगा एकड़. आपने बोला ना कि एक एकड़ में 10,000 रुपये का खर्चा है. बीघा का वो कुछ हो गया आपको सुनना में थोड़ी. आपका तो वो इंटरव्यू अभी हमने व्हाट्सएप पे देखा ना तो हमको हमने सोचा हम भी ले लें ये वाला बीज. नहीं नहीं बिल्कुल अच्छी बात बताई आपने. स्वागत है. पुनीत स्वागत थोड़ी है आपको. जवाब और आपको माफी मांगना पड़ेगी सबके सामने. भाई मैं क्यों माफी मांगू? क्यों आपका जवाब आपका इंटरव्यू. नहीं नहीं वो तो ठीक है. 10,000 रुपए एकड़ में कर दोगे खर्चा? एकड़ का नहीं हो तो बीघे का है. नहीं आपने एकड़ का जिक्र किया उसके अंदर. आपको माफी मांगना पड़ेगी लाखों लोगों के सामने. नहीं 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 आपको नॉलेज नहीं खेती करना. काहे के लिए खेती कर रहे हो फिर? नॉलेज नहीं है तो. अच्छा सुनो मैं भी बीजेपी से हूँ. 37,000 रुपए मिला. 31,000 रुपए मिला मेरे को बीमा. लेकिन आप नॉलेज कैसा दे रहे हो लोगों को किसानों को इंटरव्यू में? किसानों को क्यों सनपास खाने पर मजबूर कर रहे हो आप? ऐसी कोई धारणा नहीं मेरी. नहीं तो आपकी धारणा है ना. आपके पूरे मध्य प्रदेश में बहिष्कार हो रहा है आपका. आपके घर पे 2-3 दिन में धरना होगा इसका झूठी जानकारी देने के लिए. आप एक काम करो मेरी लहसुन करवा दो 10 बीघे की. 5 हेक्टर बनता है. 5 हेक्टर आपका कहने का मतलब कि मैं अच्छा बता दो आपको पूछ रहा हूँ. आपको ज्यादा अनुभव है. आप
हाँ नहीं आपसे ज्यादा अनुभव ऐसे ही मेरे को तो वही तो कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल है और आपको माफी मांगना पड़ेगी इस मामले में क्या इस मामले में आपको माफी मांगना पड़ेगी। अभी किसानों को निपट जाओ आपके घर पे लेके आएंगे सबको ये 10,000 रुपए एकड़ में खेती करवाते लहसुन की करवाना पड़ेगी आपको। चला वर्षाने वर्ष लसणाची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जर लाखो रुपयाचा फायदा होत असेल तर ही मोठीच फायद्याची गोष्ट म्हणता येईल। परंतु मॅक्स महाराष्ट्राने या दाव्याची पडताळणी करायची ठरली। पुण्यामध्ये राजगुरुनगरजवळ कांदा आणि लसूण संशोधन केंद्र आहे। हे ICR म्हणजे केंद्रीय कृषी संशोधन संस्थेचं उपकेंद्र आहे। या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कांदा आणि लसणावरती संशोधन चालतं। या संस्थेच्या शास्त्रज्ञांशी आम्ही चर्चा केली खरोखरच लसणाचं पीक एवढं उत्पन्न देतं का। आता ज्या वान या केंद्राकडून प्रसिद्ध करण्यात आले ते महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्ये देखील वापरले जातात तर त्याची उत्पादकता 100 ते 150 क्विंटल प्रति एकर एवढीच मर्यादित आहे। त्यामुळे हे लाखो रुपये कसे मिळाले हे तरी ते शास्त्रज्ञ सांगू शकलेले नाहीत। या संदर्भात उत्पादन खर्चाचा जरी विचार केला तर 10,000 एकरी हा देखील दावा खोटा ठरला आहे। कारण की आज असं आहे की एकरी ज्यावेळेस लसणाचं बियाणं लागवड करायचं असेल तो कमीत कमी खर्च 30,000 रुपये प्रति एकरी एवढा आहे आणि बाकी त्यामध्ये मजुरी असेल किंवा इतर लागवडीचा खर्च आहे तो वेगळा आहे त्याच्यामध्ये। त्यामुळे हा दावा देखील खोटा ठरला आहे। आज लसणाची विक्री किंमत आपण मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये तपासली तर ती 10,000 प्रति क्विंटल 10,000 आहे। आज मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये लसणाचा भाव हा 7,500 रुपये प्रति क्विंटल एवढाच आहे। त्यामुळे एकरातून 3-3.5 लाख रुपये मिळवणं हे केवळ अशक्य कोटीची गोष्ट आहे आणि हा केवळ त्यांचा बुद्धिभेद असल्याचं स्पष्ट झालं आहे। एकंदरीतच ह्या व्हिडिओवरून शेतकरी नाराज आहेत उद्रेक आहे त्या संदर्भात कंपनीच्या प्रतिनिधीला आणि मुख्यमंत्र्यांना देखील जाब विचारला जातोय। आप गलत काय केले जानकारी दे रहे हो असा ही दो ना। अच्छा सुनो आपको एक बीघे में खर्चा हो रहा है आधी एक बीघे में 6,000 रुपये तो उखाड़ने वाला लेता है उखाड़ के काटने वाला पूरा बताओ 1500 रुपये बोने वाला लेता है पूरा खर्चा बता दो भाई। हाँ बता रहा हूँ ना पूरा खर्चा जोड़ो ना 1500 रुपये बोने वाला लेता है कि नहीं लेता है 40,000-50,000 कितना होता है। आप नॉलेज आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज है ना आप इंटरव्यू दे रहे हो आपको ज्यादा है मैं तो बहुत किसानों को काय के लिए मजबूर कर रहे हो सलपास खाने के लिए तो और क्या नहीं कर रहे आपको नॉलेज ही नहीं है। अच्छा बताओ आपको कितना पूरा आप किसान हो तो गाय का मोरा बना दोगे क्या आपको दिख रहा हूँ मैं एक बीघे में 17-18,000 रुपए खर्चा आता है बीज छोड़ दो तो 40,000 आ जाता है ना 17-18,000 रुपए। अच्छा जी तो जी क्या कर रहे हो जी क्या कर रहे हो आप ये मैं मतलब 40-50,000 रुपए बीघे खर्चा बता दे तो वो 40,000 आपको 40,000 किसने बोला एक्चुअली जो एक्यूरेट खर्चा है ना आपको पता है देवास आपके गाँव में आने का 20 रुपए किराया तो 20 रुपए बताओ ना 5 रुपए काय के लिए बता रहे हो आप। अब उनको अपन चला भाई अपन तो आय दुगनी करने के लिए बताया तो आय दुगनी झूठे विश्वास से कर दोगे दुगनी आय क्या मतलब ये बिगड़ जानकारी से दुगनी आय कर दोगे क्या आप। नहीं वो नहीं है आय हो जाएगी 10 रुपए अपनी 10 रुपए का दूसरे और सही सार जानकारी दो अनुभव नहीं हो तो मेरे पास आओ मैं दूं आपको। परंतु आपण याची बॅकग्राऊंड जर तपासली तर जी भाजप शासित राज्य आहेत त्यामध्ये गुजरात असेल कर्नाटक असेल किंवा आंध्र प्रदेश आहे किंवा इतर जी राज्य आहेत आता मध्य प्रदेशमधल्या हा घटना घडली आहे तर नेहमीच आकड्यांची जगलरी होते। इथे GDP ग्रोथ रेट हे वाढून दाखवले जातात उत्पादनाच्या आकड्यांशी खेळ केला जातो आणि सतत इतर राज्यांपेक्षा भाजप शासित राज्य हे पुढे आहेत अशा पद्धतीचा दावा केला जातो। त्यामुळे हा दावा देखील त्याचाच एक भाग आहे आणि हा दावा शेतकऱ्यांनी भुलून जाऊन या दाब्याच्या पाठीमागे जाऊ नये असं देखील आव्हान या निमित्ताने शास्त्रज्ञांनी केलं आहे। एकंदरीतच हा दावा खोटा ठरला आहे आणि अशा शेतीमधील भूलभलेला शेतकऱ्यांनी बळू पडू नये असं देखील आव्हान मॅक्स महाराष्ट्राच्या वतीने केलं जात आहे। आपण तुर्तास इथेच थांबू भविष्यात असेही काही पडताळे आपण करत राहू। मॅक्स महाराष्ट्रासाठी विजय गायकवाड मुंबई।